जूस बन गया इनका एक बदिया हूं पापा बेटा ने खा लेके लो जी। जो मैंने अपनी पहली वीडियो गेरी थी उसमें ना छपता सूरज दिखाया था, आज आपने उगता दिखा दी क्योंकि आज मैं बखत उठ रही थी और ऊपर आपने छत पा रही थी। एक दो तीन दिन तो मौसम खराब सा हो रहा है, मैं कदे बारिश बुरश आ जाए अपनी छत उछाऊ मेरे पत्ते पत्ते हो रहे हैं देखो छत पर, बल्कि अड़ तो मोरी आग है ना अड़ भी रही से शुक्र है रात ना बारिश ना आई। धूल सी ना उड़ेगी। अरे सब हाथ की मारी लाएगी थी मैं तड़का इतना पहले सीढ़ा सीढ़ा छापता हूँ उसी लिया फिर काम में तक होने उसने भी ना करता मेरे पत्ते मेरी रेत सा हो जाए तीन चार दिन हुए ना उस दिन उसी थी फिर भी मेरा इनकी तो अंधकार चले जा मेरा रेत उठे जा से। तो वे आई थी मैं 4:30 बजे तड़के थर ते सरप्राइज छोड़ कर गई थी कि तो जाऊँ सूँ, तो मैं आपने बता दूँ मैं गई थी दिल्ली करोल बाग क्योंकि उड़े मार्केट लग गए पटड़ी मार्केट और वह मंडे को लग गए है यानी कि सोमवार ने, तो भाई उड़े गए थे और तो भाई काल मंगा रखी थी ये दाणी तो ये सोची थोड़ी बार है ना बैठ कर दाणी भी खा ली होकर आंडना कदे घर का काम नहीं हुए चाले जागा थोड़ी बहुत देर मुका अपने ताई भी टाइम काटना चाहिए। और एक बात और याद आ गई भाई इवनिंग तो मैंने बेरा को ना बेवा मतलब हमारी एज की से अभी कम मतलब बेटी के एज की है तो चाहे वह मेरी एज की है चाहे अभी वह मेरी बेटी लग गए है तो उसके लिए मैं तय दिल तो धन्यवाद करूँ जो उसने मेरे ताई यह बात बताई आके आपने ना उड़े घूंघट नहीं काटा। मैं उड़े खेत में जा रही थी ना माओ साले दिन तो भाई मैंने इस चीज़ का ज्ञान ना था मैं सही बता दूँ तो आगे तो जाएंगी तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगी तो यह बात बताने ताई बेटी हो चाहे बाण तो वे तेरा बहुत बहुत धन्यवाद दी जो तेरे मेरे तैयार बात कमेंट करके बता दी। अजय मैं तो कहा करा अभी वीडियो ने ज्यादा तो ज्यादा है ना शेयर करा करो और कमेंट करके भी बता करो तो यह बात नहीं है कहीं जा कर वे कम में भी कमी हो तो न्यू मत शर्मा करो बता दिया करो जब तमने बेरा पट है और तो बेग खा लिया दाणी और बताइयो दाणी है ना किस किस की फेवरेट्स है कौन कौन खा करे ले बेनता है ना पापा बेटा का जूस बनाऊ क्योंकि मैं तो पीऊ को नहीं आज क्यों ना पीऊंगा बता दी वे तुमने क्योंकि तड़के की मेहनत नहीं कह रही थी मैं सारे गमले है ना ऊपर खराब करवा दिए तो ने बोला आज तेरे गमले का रोग कटवाऊंगा बोला कई दिन हो गए तो ना कहती ने तो वे आज वे गमले तारा थे पापा बेटा तो पेड़ काले मां के नीचे ले आवा ही गड़ा लंबा पड़े ने बोला ले बाल्टी में गाल गाल का पास दूंगा नीचे तो वे भगवान न जाने वही बात सकर्मा की चोट थी यार तो जी गमले ने तड़ा तार लागे ना बाल्टी में धरक है बेरन वा बाल्टी की ऊपर मतलब मोदी होगी रो गमला आके बेबे मट लागे मेरे ही वो तो सुकर से शरना पट्या शरपना पड़ा मेरे गोडे पड़ गया कन गोडे को लाग गई से थोड़ी चोट तो ये बना पीऊं जी जिस बात के मारे क्योंकि दवाई लेकर आ रही हूं खटाई फुटुई बंद बताया थी उसने तो मैं कहा चलो इनके तो बना दू ना तो कल है नहीं मैं सोच रही थी मैं कहे सांझ ना मन मन यू आई मैं कहा सांझ ना बना कर पी ली हो तो बढ़िया रू ए तो ये दो तीन दिन दवाई खानी है वे नहीं पी सकती आम मैं कहा भूखा भी पी लो तो पापा बेटा ही बोल के हो तो एक बार इनका मैंने जूस बना दूँ अरे तो आम भी ठीक हो रहे हैं पहले तो 140 रुपये किलो थे इब तो 100 मिल रही है पर क्या करे बेबे सीजन गए लिया सारी चीज लियानी पड़े है ले जूस बन गया इनका एक बदिया हूँ पापा बेटा ने खा लेके और चोखा काजू ना रह रहे थे कई दिन हो गए खत्म हो गए थे इतने थे उस दिन माँ उसने घेर दिए थे खीर में तो आज ही का पापा ले भी आया क्योंकि ये जो है गिरवाए देना है ना कि वहीं को ना जूस नहीं कहेंगे इसका तो बढ़िया टाड़ा मारा कर ठीक से और मेरे तो याद भी ना थी कहनी है ध्यान आ गया होगा कि तुम
और ये वे चेरी ले रखी थी, चेरी तो हम घर ले लिया आए थे घर सामान ले का आए ना जब, तो ये वर्दियाँ उन्होंने बेही हो गया शाम की रोटी साग का टाइम, तो मैं कल लाइव कर लूँ आते पेठे का साग बनाऊंगी। सोचू तो फिर का पूरी बनाने की, पर पूरी अन तो ना अटके बिला तो ना रहने दे पूरी पारी, तो बिला गर्मी में हुए ना बिला गर्मी पड़े से, तो मैं कहा चलो ठीक से फिर गल गल ना रात और बना दूंगी, क्योंकि जिम्मन ने भी कम कम लग गया तेरा पेठे का साग पूरिया घर तो बढ़िया लग गए, रोटियां घर को ना बढ़िया लग गए, तो मैं कहा मैं तो अपना रात बनाऊंगी बना लिए। एक बार ने सड़ सड़ सोल चीर कर ये को रात है ना लत्तियाँ का प्रेस ना उड़ पाई वे को तो जी सा कर है मका बांध का सारे ना और मका प्रेस आड़े को भजवा दी क्योंकि बार भीतर चले जाऊँ उधर टाइम तो लग गया कुने को डाण उड़ पाओ उधर नहीं सोचा करो माँ की दुखी हुई बेच देना तो आई बा करो डाने सी छह बजे सी सेक्टर कैडता है तो उसने कहूँगी मका वे लत्ते ले दिए पेठे के साथ में तो प्याज गिरे बना बढ़िया बनाए को ना खाली पेठा पेठा तो भी मैं दो प्याज गिर दूंगी और मेथी में छोकूंगी पहला तो हलवाइया के साथ तो बना को ना बल्कि सोचो थी उनका भतीजी का गुठी गालना आए ना तो भाई ने बोला एक एक के सब्जी बनवावा तो मैं भाई थमने के सोचा बनवाण का तो उन्हें बोले टिंडे बनवा लिया मैं घर टिंडे तो रहने देने मैं गर्मी से अपने मैं पेठे का बनवा लो पूरियाँ गल तो वो भी बढ़िया लगेगा तो फिर उन्होंने पेठे का भी बनवाया था तो नहीं सोचो तो मैं कहा देखूँगी हलवाइया ने छोकता ने बाकी एक एक के गए रस हैं पर वही बात सच जी उड़े काम में इतना हो गया फिर आए पीछे भी आ रहे थे जो ताई चाह पानी देने लग गए फिर ध्यान ना रहा ये अपने सिरसम का तेल चढ़ा रखा था एक एक बार छोक दूँ तो मेथी है ना पैकेट वाली थी सह तो कति साफ कुछ को नहीं है एक भी और भी देखते लो पेठे के साग मतलब मेथी का छोक बढ़िया लग रहा था रसोई में बड़े पक्ष है फिर सारे काम कट्ठे कर लिया को बर्तन बर्तन हो जाए चाह चू के दूध दाग गर्म करना गल गल अपना फिर मैं साग छोक दी चून दे दूर थी वे भी छोक दी थी ताई वे को रात बना दू राम जी तो दिन को दिन गर्मी बढ़ाने लग रहा है और थारे खातर है ना पंखा बंद कर रही हूँ ज्यादा गर्मी में मरू हूँ ताकि पंखे की आवाज ना पकड़े और कदे आवाज साफ ना हो इस बात के मारे तो एक बार आयता बना दू वे रामे वे हम तो कोई भी मसाला है ना सारा एमडीएच का यूज करा हम अरे इसका पप्पा नहीं कहगा बेरा तू कम गिर है अब बोले कि मैं टेस्ट है ना आमता बोले मसाले का तो मुका के बताओ मुका लिया तो मुका एम डी एच के रखे हैं देख लो तो एम डी एच के गरम मसाला होया छोले का होया वे राजमा जो पड़े हैं सारे मसाले एम डी एच के ले आऊँ पर फिर भी बेरा नहीं क्यों ना ही न खुशबू आमती एक बार मसाले गिर दू सारे कदे बात बात भूल जाऊं और फिर कह दू क्यों ये खाते है नहीं बता दिया करे है क्या चीज ना पड़ गई तो फिर मैं ना झूठ बोलनी पड़े मैं करना गेरी थी तो एक बार गेर दू पहले काला नमक जरूरी है साता बल्कि थोड़ा गेरा करो काला बत्ती गेरा करो
तो भाई जो भी मेरे चैनल पर नया आवे है ना तो प्लीज चैनल ना सब्सक्राइब करे बिना मत जा करो और वीडियो ना ज्यादातर ज्यादा लाइक करया करो और शेयर करया करो और कमेंट करके बताया करो किसे एक बने है लोग।